सो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन बेटा आपका वेलकम है लर्न एरिया एवरी डे के अंदर। सो आज दोबारा से आज मेडिकल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए अपन देखेंगे बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे आज अपन देख रहे हैं 11th क्लास का बेटा क्या सेल बायोलॉजी का चैप्टर, और उसमें आज देख रहे हैं सेल के ओवरव्यू के बारे में। ठीक है बच्चे, आज अपन सेल के ओवरव्यू के बारे में देख रहे हैं कि सेल के अंदर मतलब क्या क्या चीजें मतलब होती हैं और क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, ये अपन आज देख लेते हैं। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंसेस आज अपन देखेंगे, और एक प्लांट सेल एक एनिमल सेल से बेटा कैसे डिफरेंट है वो भी अपन यहां पे देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सेल थ्योरी के बारे में बताया भी था कि सेल थ्योरी एम शेल्डन और बेटा टी श्वान ने दी थी, और इसका मॉडिफिकेशन बेटा एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम क्या है जो कि अपन ने यहां पे देखा भी था। ओके, अब यहां पे देखिए सेल के ओवरव्यू के बारे में। चलिए अब देखते हैं, ये बच्चे एक सेल है, ये एक क्या है सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। अब सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो अपन देख लेते हैं। सेल के अंदर बेटा एक डेडिकेटेड कंपार्टमेंट होता है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस नाम है। क्या नाम है, न्यूक्लियस होता है, जो कि एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अलावा बाहर क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स होता है जिसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसका मतलब देखिए यहां पे ये आपका न्यूक्लियस हो चुका है, ये न्यूक्लियस है और ये आपका साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस को बेटा डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, और ये जो साइटोप्लाज्म है इसको बेटा क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ द सेल बोलते हैं। अब यहां पे देखिए ये जो न्यूक्लियस है इससे बेटा क्या बाउंडेड स्ट्रक्चर जो मतलब है उनको अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। अगर किसी सेल के पास में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक तो यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक है, तो जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका नाम क्या हो जाएगा बेटा, यूकैरियोटिक सेल, और जिनके पास नहीं होती है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स तो उनका नाम क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहां मैंने क्या लिखा, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। अभी यहां पे हम दोनों का डिफरेंसेस भी देखेंगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में और एक यूकैरियोटिक सेल में क्या फर्क है, ये भी आज अपन यहां पे देखेंगे, और भी अपन यहां पे चीजें देखते हैं। चलिए ओके, अब देखिए बच्चे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, आइए चलिए देखते हैं। अब देखो प्रोकैरियोट, देखो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, क्या होता है प्रिमिटिव, और बेटा कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब यह होता है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है, और उसको क्या कहते हैं प्रोकैरियोट में, उसको कहते हैं क्या, न्यूक्लॉइड कहते हैं, या फिर ज़ेनोफोर भी कहते हैं, ज़ेनोफोर भी कहते हैं। तो दो नाम से बेटा जानते हैं, इसका मतलब बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लॉइड बोलते हैं और ज़ेनोफोर बोलते हैं। बट यूकैरियोट्स के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। एक और डिफरेंस यहां पर मैं आपको बता देता हूं, प्रोकैरियोट के पास में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। बट यूकैरियोट्स के पास में डबल स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म का मतलब क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये भी यहां पे डिफरेंसेस में हो जाएगा। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूं कि प्रोकैरियोट के पास में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोट्स के पास में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं यूकैरियोट्स में क्या क्या चीजें होता है, तो इसके पास 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं पहला, ठीक है भाई, इनके पास में डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है, लीनियर डीएनए,
ये दूसरा हो गया और इनके पास में वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है इनके पास में, ये भी आपको चीज बेटा समझनी पड़ेगी। अच्छा भाई प्रोकैरियोट के एग्जांपल क्या क्या हो गए, तो प्रोकैरियोट के जो एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा और क्या है जैसे कि बैक्टीरिया, इसी में आ जाएंगे आपके, ठीक है। माइकोप्लाज्मा भी एक क्या है बेटा, प्रोकैरियोट का एग्जांपल है, बैक्टीरिया आ जाएंगे इसमें में बेटा, आपका प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी आ जाएगा जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है, जो आपको नेकेड आई से नहीं विजिबल होगा। बट यहां पे देखिए यूकैरियोटिक सेल्स में बेटा एग्जांपल क्या आ जाएंगे, यहां पे आपके प्लांट्स आ जाएंगे, यहां पे आपके प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, फंजाई वगैरह आ जाएगी और एल्गीज वगैरह आ जाएगी। तो ये सब बेटा क्या है, यूकैरियोटिक है, और ये सब क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। आगे और देखते हैं बेटा इसी की, अब देखिए बेटा यहां पे दोबारा से इसी की आगे आप देखिए, अब मैंने बेटा यहां पे क्या लिखा, सेल स्ट्रक्चर लिखा है कि एक सेल के पास में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसके पास में सेल बाउंड्रीज होती हैं, क्या होती हैं, सेल बाउंड्रीज होती हैं, सेल बाउंड्रीज। फिर इसके पास में होता है मैट्रिक्स जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तीसरी चीज इसके पास में न्यूक्लियस होता है जिसको डायरेक्टर ऑफ द सेल बेटा बोलते हैं और कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। अब यहां पे देखिए सेल बाउंड्रीज में हमको एक पहली चीज पढ़नी है सेल वॉल जो प्लांट्स के अंदर होती है, दूसरी चीज हमको बेटा क्या पढ़नी है सेल मेम्ब्रेन जो दोनों के पास में होती है प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, ठीक है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बेटा अपने को यहां पे सबसे पहले यहां पे देखना है। साइटोप्लाज्म को मैंने अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक का नाम बेटा क्या है हाइलोप्लाज्म है, हाइलोप्लाज्म है, और एक का नाम क्या है ट्रोफोप्लाज्म है, क्या नाम है ट्रोफोप्लाज्म है, ठीक है। अब ये ट्रोफोप्लाज्म अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक का नाम क्या हो जाता है सेल ऑर्गेनलीज आ जाती है, एक तरफ तो क्या जाती है सेल ऑर्गेनलीज आ जाती है, और एक तरफ क्या जाते हैं सेल इंक्लूजन्स आ जाते हैं, सेल इंक्लूजन्स आ जाते हैं या फिर और नॉन लिविंग चीजें आ जाती हैं, नॉन लिविंग चीजें, ठीक है। अब देखिए सेल ऑर्गेनलीज में बेटा अपने को यहां पे कौन कौन सी चीजें देखनी है, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखना है, फिर गॉल्गी एपरेटस देखना है, फिर उसके बाद में बेटा अपने को यहां पे क्या देखना है लाइसोसोम्स देखने हैं, लाइसोसोम्स देखने हैं, चौथी चीज वैक्यूल देखना है, क्या देखना है बेटा वैक्यूल देखना है, पांचवी चीज क्या देखनी है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, क्या देखना है माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, उसके बाद में सिक्स क्या देखना है क्लोरोप्लास्ट देखना है, क्लोरोप्लास्ट देखना है, और फिर सीलिया और फ्लैजिला के बारे में अपने को पढ़ना है। तो इस तरीके से पूरी सेल बायोलॉजी में अपने को इस तरीके से बेटा सेल ऑर्गेनेल्स को यहां पे रीड आउट करना है। अच्छा नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स को बेटा यहां पे अपन ने क्या बोला, इनको अपन क्या बोलते हैं ड्यूटेरोप्लाज्म भी कहते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं ड्यूटेरोप्लाज्म भी कहते हैं। नॉन लिविंग चीजें आती हैं यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल एल्कलॉइड्स आ गए यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल एल्कलॉइड्स, ठीक है एल्कलॉइड्स आ चुके हैं यहां पे, यहां पे आपके रेजिन्स आ चुके हैं, रेजिन्स आ चुके हैं, ऑयल्स आ चुके हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आ चुके हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आ चुके हैं, मेटाबोलाइट्स यहां पे पिगमेंट्स भी आ चुके हैं, पिगमेंट्स भी आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ये भी चीजें यहां पे देखनी है। और आगे चलो देखते हैं यहां पे, और देखिए यहां पे मैंने लिखा है एक राइबोसोम, एक मैंने क्या लिखा है राइबोसोम, और एक मैंने क्या लिखा है सेंट्रियोल। ये दोनों ही सेल ऑर्गेनेल्स अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है, इनके पास में मेम्ब्रेन नहीं होती। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं बोथ आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है भाई। इन दोनों के पास ही बेटा क्या नहीं होती मेम्ब्रेन नहीं होती, दोनों के पास ही मेम्ब्रेन नहीं होती, दोनों के पास में बेटा क्या नहीं होती मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान में देनी है। और दूसरी चीज ठीक है भाई, अब देखिए राइबोसोम कहां मिलता है आपको बेटा मालूम होगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, ठीक है क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, और प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक
दोनों के अंदर मिलता है क्या? राइबोसोम। इसका मतलब प्रोकैरियोट के पास में 70S और यूकैरियोट के पास में 80S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। इसका मतलब राइबोसोम को मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेलीज है, ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली है। इसका मतलब ये सभी के पास में मिलती है, प्लांट और एनिमल, और मतलब क्या आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के पास में। सेंट्रियोल कहां मिलता है भाई? सेंट्रियोल बेटा आपका एनिमल सेल के अंदर बेटा मिलता है। ये एनिमल सेल का बेटा क्या है, एक फीचर है, प्लांट सेल के पास में नहीं मिलता है। सेंट्रियोल का बेटा वर्क क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। पढ़ेंगे आगे सेल डिवीजन और सेल साइकिल में सेंट्रियोल का रोल, ठीक है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही यहां पे देखना है कि जो सेंट्रियोल है ये एक एनिमल सेल का बेटा क्या है, फीचर है, और ये बेटा हेल्प करता है किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प यहां पे करता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या ओवरव्यू ऑफ द सेल, जिसमें आज आपने बेटा क्या देखा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट देखा, और कुछ बेसिक यहां पे चीजें अपन ने देखी हैं जो अपने को इसी यूनिट के अंदर आगे बेटा और पढ़नी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको दोबारा से बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो इसी तरीके से बेटा अपन और आगे और देखते रहेंगे, ठीक है। तो बेटा ओके, मिलते हैं, ओके, बाय बाय।